दोस्तों आईओएस यूजर्स के लिए खुशखबरी है। आईओएस का 15 यानी आईओएस 15 जो है वो आ गया है फोन्स के लिए। तो कौन से फोन्स पे आने वाला है ये चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ। ये अपडेट जो है हमें दोस्तों आईफोन 13 में प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा उसके सारे सीरीज में, और हमें अपडेट मिलेगा आईफोन के 12 सीरीज में, 11 सीरीज में, 10X, 10S Max, 10, 10R, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus, SE First Generation and SE Second Generation, Plus iPad Touch 7th Generation में ये अपडेट हमें मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इसे अपडेट कैसे करें। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने फ़ोन के सेटिंग्स में, और वहां से जाने के बाद हमें इसमें जनरल में जाना पड़ेगा। जनरल में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट दिख रहा है, वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से अपडेट आएगा, जिसमें मेरे पास दो अपडेट आया हुआ है, एक iOS 14.8 का और दूसरा आया हुआ है iOS 15 का भी। तो मैं iOS 14.8 अपडेट करके कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट मैं जो है iOS 15 पे अपडेट कर देता हूँ। दोस्तों मेरा जो है 3.2 GB का अपडेट है, ये अलग हो सकता है अलग अलग मोबाइल के ऊपर, मेरा 3.2 है, आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके उसमें देखिए नीचे दोस्तों डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ है, तो वहाँ से हमें डाउनलोड कर लेना है। एंड डोंट वरी दोस्तों, इसको डाउनलोड करने के बाद अपडेट करने के बाद आपका जो कोई भी डेटा नहीं डिलीट होने वाला, कोई भी ऐसा इशू नहीं होने वाला है। तो इसमें अगर आपको जानना है कि क्या क्या अपडेट है, तो वहाँ पे जो ब्लू कलर का जो लिखा हुआ है लिंक है वो, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा जो है ये पेज खुल जाएगा कि क्या क्या फीचर जो है आपको इसमें मिलने वाला है। और इसका जो है एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अपडेट का बना दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों इसको किस तरीके से अपडेट करना है ये देख लीजिए आप। तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है ये अग्री करने के लिए बोलता है, टर्म्स एंड कंडीशन इसका, इसको अग्री करते हैं हम। अग्री करने के बाद दोस्तों आपको जो है इतना स्पेस होना चाहिए जितना इसमें है, उससे ज़्यादा ही स्पेस लगभग आप खाली रखें ताकि आपके फ़ोन स्लो ना हो और इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें यूज़ मोबाइल डेटा बोल रहा है तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, वाईफाई मेरा अच्छा स्पीड है तो मैं अपने वाईफाई से ही इसको डाउनलोड करने वाला हूँ। तो लीजिए दोस्तों मेरा जो iOS 15 का अपडेट हो गया है फ़ोन में, बहुत ही नया सॉफ्टवेयर देखने में बहुत फ्रेश लग रहा है। हालांकि लुक अलाइक ही है, ज़्यादा कोई अंतर तो मुझे दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर वर्जन में देखिए दिखा सकता हूँ मैं, 15.0 लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों इस पे जब मैं अपडेट कर रहा था तो मेरे पास लेफ्ट था 128 में से 120 GB, बट अपडेट करने के बाद मेरा 119 GB हो गया। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि 3.2 GB अपडेट के बाद भी जो है ज़्यादा मेमोरी इसने नहीं खाया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो अगर आपने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया है और आपके पास आ गया है अपडेट, तो अभी जाके इसे अपडेट कीजिए और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं मैं लाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले अपडेट्स के लिए।